इस वीडियो में हम बनाएंगे आलू और ब्रेड से बहुत ही आसान नाश्ते की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमने 3 उबले हुए आलू को मैश करके लिया है। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ गाजर डालेंगे, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और धनिया का पत्ता। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी को इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। फिर हम इसमें ब्रेड डालेंगे। ब्रेड को हमने हाथों से अच्छे से तोड़ लिया है और हम इसमें 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। फिर सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर से सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर लेंगे हाथों में और इसे इस तरीके से रोल कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम सभी को बना के तैयार कर लेंगे। हमने इसे बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए हमने रिफाइंड ऑयल अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके सारे रोल्स को डालेंगे और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने इसे निकाल लिया है। अब इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। इस आसान और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी को आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इसे हमने टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। इसे आप किसी भी तीखी चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। इस आलू और ब्रेड से बनी हुई आसान से नाश्ते की रेसिपी को आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।